नमस्कार दर्शकों, आज हम साझा करने वाले हैं आधुनिक भारत के एक मशहूर साहित्यकार गीत चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। गीत चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, लघु कथा लेखक एवं कवि हैं। इन्हें अवधि लेखक के रूप में भी जाना जाता है। ये ऐसे लेखक हैं जो कविता एवं गद्य दोनों में निपुण हैं व आधुनिक हिंदी साहित्य में तेजी से उभर कर आए हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास ने इनकी एक नई तथा विशेष पहचान बनाई। गीत चतुर्वेदी मुख्यतः सामाजिक विषयों पर अपने उपन्यास लिखते हैं। इनकी लेखन शैली के कारण इनके उपन्यास एवं कविताएं बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा भारत के 10 बेहतरीन लेखकों में से इन्हें भी एक चुना गया था। इनकी कविताओं को पूरे विश्व भर में 22 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। लेखक गीत चतुर्वेदी के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म 27 नवंबर 1977 को मुंबई में हुआ। इनका बचपन मुंबई में ही बीता, लेकिन वर्तमान समय में ये भोपाल मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ये बचपन से ही रॉकस्टार बनना चाहते थे। इस कारण इनकी रुचि एवं इनका ज्ञान पश्चिमी शास्त्रीय संगीत एवं विश्व सिनेमा में रहा है। थोड़े समय बाद इनकी रुचि विश्व साहित्य की ओर बढ़ी। इन्होंने विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य का गहराई से अध्ययन किया। इन्होंने कवि वेदव्यास, शंकराचार्य, होमर, कालिदास के साथ साथ 20वीं शताब्दी के उत्तर आधुनिक दिग्गजों जैसे जॉर्ज लुइस बोर्गेस, ग्रेबियल गार्सिया मार्केज और ओरहान पामुक को भी पढ़ा एवं उनके साहित्य का अध्ययन किया। इन सभी से बहुत प्रभावित होते हुए गीत चतुर्वेदी ने अपना लेखन आरंभ किया। गीत चतुर्वेदी का साहित्यिक जीवन। गीत चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य में अनेक लघु कथाएं एवं उपन्यास की रचना की है। इसके साथ गीत चतुर्वेदी पाब्लो नेरुदा एवं चार्ली चैपलिन के 2 अनुवादों सहित 5 पुस्तकों के लेखक हैं। इन्होंने 2010 में 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें से एक कविता संग्रह आलाप मुझे दो एवं 2 कहानियों का संग्रह सावंत आंटी की लड़कियां और पिंक स्लिप डैडी है थी। इनके उपन्यास पिंक स्लिप डैडी को हिंदी साहित्य लेखन में कथा साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक माना जाता है। यह उपन्यास इनके द्वारा रचित सबसे लोकप्रिय उपन्यास है। इनके गद्य और कविताएं पूर्वी और पश्चिमी दुनिया का संयोजन करती है। इनके लेखक की यही विशेषता इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ लेखक बनाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं खुशियों के गुप्तचर, न्यूनतम मैं, सिम सिम, मदर इंडिया, पिंक स्लिप डैडी, सावंत आंटी की लड़कियां इत्यादि। अब इनके पुरस्कार व सम्मान की बात करें तो इन्हें विश्व भर में खूब प्रसिद्धि प्राप्त हुई है और इन्हें इनके कविताओं व उपन्यासों के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे 2007 में मदर इंडिया कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला, 2014 में पिंक स्लिप डैडी उपन्यास के लिए कृष्ण प्रताप पुरस्कार, वह 2018 में भी इसी उपन्यास के लिए शैलेश मैथियानी पुरस्कार मिला, 2020 में न्यूनतम मैं कविता के लिए वेगधरा नवरत्न सम्मान तथा स्पंदन कृति सम्मान मिला। साथ ही इनकी रचनाएं कई पत्र पत्रिकाओं व समाचार पत्रों में नियमित रूप से छपती रहती है। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको इनकी जीवनी और आपको इनकी कौन कौन सी रचनाएं अच्छी लगती हैं, कृपया हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मासूम विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद आपका।